नमस्कार। आज के हमारे ही लेक्चर का टॉपिक है ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक, विशेषकर स्ट्राइप्स एंड चेक बीम इफेक्ट। ऑर्नामेंटेशन ऑफ प्लेन बीम अलंकरण, यानी ऑर्नामेंटेशन का अर्थ है कि हम बेहतर प्रकार से डिजाइनों में यार्न के विभिन्न रंगों को व्यवस्थित कर दिखा सकते हैं। यह एक ही बुनाई का उपयोग करके किया जाता है। यदि विभिन्न प्रकार के यार्न का उपयोग वार्प वार या वेफ्ट वार किया जाता है तो स्ट्राइप प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, और यदि विभिन्न प्रकार के यार्न यानी विभिन्न प्रकार के रंगों के यार्न का उपयोग ताना और बाना दोनों के रूप में किया जाता है तो एक चेक प्रभाव या चेक इफेक्ट का निर्माण किया जाता है। ये नीचे दिए गए किसी भी तरीके को लागू करके किया जाता है। पहला, धारी यानी स्ट्राइप और चेक प्रभाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न रंगों के धागों का उपयोग करके। दूसरा, फैंसी स्लब यार्न का उपयोग करके। तीसरा, जिगजैग प्रभाव पैदा करने के लिए अलग अलग ट्विस्टेड यार्न एस और जेड ट्विस्टेड का उपयोग करके। चौथा, ताना और बाने में यार्न की विभिन्न गणना यानी अलग अलग काउंट के यार्न वार्प और वेफ्ट में उपयोग करके। रीड के विभिन्न स्टॉक का उपयोग करके। पांचवा है, छठा, विशेष टेकअप यानी स्पेशल टेकअप और लेट ऑफ मोशन का उपयोग करके। और सातवा है, ताना धागे के बीच भिन्न तनावों का उपयोग करके यानी ताने के जो धागे लूजली और टाइटली टेंशन के रूप में काम में लेकर भी हम ये इफेक्ट बना सकते हैं। वुवन और निटेड कपड़ा दोनों में नवीनता, फैंसी या सजावटी यार्न का उपयोग किया जाता है। वे प्राकृतिक या मानव निर्मित या दोनों का संयोजन हो सकते हैं। नियमित रूप से या अनियमित अंतराल पर स्नार्ल्स, लूप्स और अन्य अनियमितताओं की बनावट वाली सतह पर प्रभाव बनाने के लिए पेश किया जा सकता है। फैंसी यार्न में आमतौर पर एक आधार या कोर यार्न होता है जो एक पारंपरिक एकल प्लाई केबल यार्न या मल्टी फिलामेंट वाले होते हैं। इस यार्न को फैंसी यार्न के साथ जोड़ा जाता है और यार्न को बाध्यकारी यानी बाइंडिंग यार्न के साथ रखा जा सकता है। ये फैंसी यार्न साधारण यानी मूल बुनाई और उनकी विविधताओं में डेरिवेटिव्स में बुना जाने पर फैंसी प्रभाव पैदा करते हैं। आमतौर पर फैंसी यार्न को सरल यानी प्लेन बुनाई में फैंसी प्रभाव और विशेष बनावट बनाने के लिए बाने के रूप में नियोजित किया जाता है। फैंसी यार्न वजन बढ़ाते हैं जो बदले में ट्रैप और स्थायित्व में सुधार करते हैं, क्योंकि इस तरह के कपड़े पर्दे, ड्रेपर और अन्य सामान के लिए अधिक उपयुक्त हैं। रंगे हुए यार्न धारियों यानी स्ट्राइप्स और चेक्स का उत्पादन करते हैं और साथ ही उच्चारित शीर्षकर प्रभाव भी दिखाते हैं। एक साथ अलग अलग रंग के धागों को घुमाकर विभिन्न प्रकार के फैंसी ट्विस्टेड यार्न का उत्पादन किया जाता है। तंतुओं का कोई परस्पर अंतर संबंध नहीं है और प्रत्येक रंग अलग अलग देखा जाता है। धागे का घुमाव यानी ट्विस्ट बस रंगों की निरंतरता को तोड़ता है। अलग अलग रंगे हुए धागों को नियोजित करके एक या दो जगह पर धागे और एक क्रेप या टूटे हुए बुनाई का उपयोग करके व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर इफेक्ट देखिए, रिब इफेक्ट है जिस प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कोर्स फिलिंग फाइन हाईली टेंसन्ड वार्प एंड्स आर अल्टरनेटेड विद कोर्स स्लैक वंस, यानी कि यार्न में जो है हाईली टेंसन्ड यार्न और स्लैक यार्न इसमें लिए गए हैं। ये टू वार बीम्स, एक हाईली टेंसन्ड और एक लूजली टेंसन्ड बीम यूज किया गया है और एक सटल यूज की गई है जिसमें फिलिंग यार्न यानी वेफ्ट का कोर्स यार्न काम में लिया गया है। देखिए इस तरह का क्रॉस सेक्शन व्यू अगर दिखाई देता है, ये इफेक्ट रिब इफेक्ट बनता है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ ट्विस्ट। देखिए प्लेन व्यू पर वार्प और वेफ्ट में ट्विस्ट जो है उसको अरेंज किया जाता है तो किस तरह का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। देखिए फर्स्ट फिगर में एस जेड जेड एस जेड एस और एस जेड हमने यूज किया है और सेकंड फिगर में एस ट्विस्ट को ही हमने वार्प और वेफ्ट में यूज किया है, तो देखिए किस तरह का इफेक्ट इसमें जिगजैग इफेक्ट कैसा बनता है। स्ट्राइप्स और चेक प्रभाव अलग अलग रंगों के धागों को मिलाकर निर्मित किया जाता है। एक रंग में ताना और दूसरे रंग
में बाने के साथ एक शार्ट प्रभाव पैदा होता है। विभिन्न रंगों में ताना और एक रंग में के वेफ्ट के साथ धारियों का उत्पादन होता है। एक रंग में ताना और विभिन्न रंगों में वेफ्ट के साथ एक क्रॉसओवर प्रभाव पैदा करता है। एक चेक शैली का निर्माण करने वाले विभिन्न रंगों में ताना और बाना दोनों के साथ रंग की धारियां और चेक एक कपड़े में बंधे धागों की एक व्यवस्था ताना धागे के लिए भी नियोजित की जा सकती है, और इसके विपरीत स्ट्राइप और चेक कलर कॉम्बिनेशन को एक साथ बनाया जाता है। पैटर्न दो तीन या अधिक रंगों के समान या असमान स्थानों में संयोजन के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि जो विभिन्न कलर के अलग अलग कलर्स के थ्रेड्स हैं उनको उनको असमान और समान स्थानों का कॉम्बिनेशन बनाकर एज ए रिजल्ट उनकी जो स्ट्राइप्स और चेक्स बनते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कलर एंड वी इफेक्ट, विभिन्न रंगों के ताना और बाना के धागों का संयोजन कलर एंड वी इफेक्ट पैदा करता है। ये प्रभाव सादा बुनाई या इसके डेरिवेटिव्स रिब और बास्केट वीव के साथ ताना और बाना के अलग अलग रंगों के धागों को व्यवस्थित कर निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण चित्रानुसार देखिए, यहाँ पर हमने तीन फिगर्स दिखाए हैं। पहले में प्लेन वीव के साथ जो रंगों का कॉम्बिनेशन हमने वार्प में लिया है, दो दो का कॉम्बिनेशन लिया, दो येलो दो रेड, और वेफ्ट हमने एक ही कलर का लिया है। तो इस तरह जो इफेक्ट बन रहा है वो है वर्टिकल स्ट्राइप्स का, खड़ी धारियाँ इसमें बन रही हैं। इसी तरह ये कॉम्बिनेशन जब हमने वार्प एक ही कलर का यानी येलो कलर का लिया है और वेफ्ट में दो दो का कॉम्बिनेशन ये रेड और येलो का लिया है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स होती है। और यही कम्बाइंड दोनों का कम्बाइंड कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं वार्प में और वेफ्ट में दोनों में टू टू का कॉम्बिनेशन जब लेते हैं तो ये बन जाता है क्रॉस फुट इफेक्ट। देखिए कुछ और जो टाइप्स हैं, हेयर लाइन और पिन स्ट्राइप्स, ताना को व्यवस्थित करने और टू टू बाई टू मैट वीव कपड़े में रंग के एक 2:2 क्रम को निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। इसी तरह शेड्स डार्क यार्न को दर्शाते हैं, बुनाई और रंग व्यवस्था पैटर्न का उत्पादन करती है जिसमें मोटी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाएं होती हैं, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो पिछले छोर के रंग पैटर्न की तरह बारी बारी से गहरे और हल्के होते हैं। हेयरलाइन और पिन स्ट्राइप्स में निम्नलिखित दाई ओर की आकृति में बुनाई यार्न के समान है, लेकिन ताना और बाने की रंग व्यवस्था को बदल दिया गया है, परिणामतः वर्टिकल लाइंस का निर्माण होता है। इसी तरह बाना ताना और बाना दोनों की एक ही रंग व्यवस्था के साथ बुनाई की शुरुआत को बदलकर पैटर्न को बदला जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन लिया है जिसमें 2x2 का बास्केट भी बनाया है हमने 4x4 पर, जिसमें टू डार्क और टू लाइट कलर के हमने शेड कॉम्बिनेशन लिया है धागों का वार्प और वेफ्ट दोनों में। तो ये हेयर लाइन या पिन स्ट्राइप्स बनती हैं दोनों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमने इसमें दिखाई है। क्रॉस फुट पैटर्न, ताना और बाने को व्यवस्थित करने का प्रभाव को 2:2 मैट बुनाई के साथ बुनाई में सादे कपड़े को रंगने का क्रम 2:2 निम्न बाई आकृति में दिखाया गया है। इसमें शेड डार्क यार्न को दर्शाते हैं जो बुनाई और रंग व्यवस्था से पैटर्न का उत्पादन करती है जिससे प्रसिद्ध क्रॉफुट डिजाइन बनती है। एक समान लेकिन बड़ा क्रॉफुट पैटर्न 4x4 का उपयोग करके परिणामस्वरूप 2:2 मैट बुनाई के साथ बुनाई और रंग प्रभाव निम्नलिखित दाई ओर की आकृति में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमने वीव लिया है प्लेन वीव जिसमें 2:2 का कलर कॉम्बिनेशन लिया, टू डार्क टू लाइट। इसको एक्सप्लोर करके फुल वीव पर जब हम बनाते हैं तो ये छोटा क्रॉफुट बना है, और इसी को अगर हम बास्केट पर लेते हैं 2:2 बास्केट पर कॉम्बिनेशन 4:4 कलर का, फोर डार्क और फोर लाइट का लेते हैं तो ये एक बड़ा क्रॉफुट का निर्माण होता है।
डॉग्स टूथ और हाउंड्स टूथ पैटर्न। डॉग के दांत या हाउंड्स टूथ पैटर्न रंग और बुनाई प्रभाव के लिए सबसे लोकप्रिय बुनाई 2:12 है, 4:5, 4:4 रंग व्यवस्था के साथ निम्न आकृति के रूप में व्यवस्थित है। यह एक विशिष्ट और सजावटी छोटा पैटर्न देता है जिसे डॉग्स टूथ के रूप में जाना जाता है, जब एक अपेक्षाकृत छोटा पैटर्न का निर्माण होता है, और जबकि बड़ा पैटर्न एक हाउंड्स टूथ के रूप में प्रभाव देता है। यहाँ पर 2 अप 2 डाउन 12 हमने बनाया है जिसमें 4:4 का कलर कॉम्बिनेशन लिया है, यानी 4 डार्क 4 लाइट दोनों बार फॉर लेफ्ट वे। तो इसका जब एक्सप्लोर करेंगे इस वीव को तो देखिए ये हमारा डॉग्स टूथ या हाउंड्स टूथ का पैटर्न बन जाता है। शेफर्ड्स चेक पैटर्न। शेफर्ड का चेक पैटर्न 2 अप 2 डाउन 12 बुनाई के साथ 6:6 का रंग का क्रम समान होता है, लेकिन कुत्ते के दांत की यानी डॉग्स टूथ की तुलना में यह अधिक बड़ा होता है। यहाँ पर हमने वीव 2 अप 2 डाउन ही लिया है, लेकिन कलर का जो कॉम्बिनेशन लिया है वो हमने 6 डार्क 6 लाइट वार्प और वेफ्ट पैटर्न में हमने लिया है, जिसको एक्सप्लोर करने पर ये शेफर्ड चेक बनता है। बर्ड्स आई इफेक्ट। एक विशेष प्रकार के रंग और बुनाई प्रभाव को एक पक्षियों के नेत्र प्रभाव कपड़े के रूप में जाना जाता है, जिसमें बहुत छोटे और समान धब्बों स्पॉट्स का एक पैटर्न होता है जो बुनाई और रंग के संयोजन का परिणाम होता है। लेकिन बड़े स्पॉट होने के बाद पैटर्न का विकास और एक ही प्रकार का एक और पैटर्न निम्न चित्र में दिखाया गया है। इन दोनों पैटर्न में सरल फैंसी बुनाई का उपयोग करते हैं। यहाँ पर रंग के उपयुक्त क्रम के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य फैंसी बुनाई कई पैटर्न प्रदान करते हैं, जिनमें से कुछ उपयोग होने के लिए पर्याप्त हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्रैप व्यू के साथ 2 लाइट 2 डार्क स्टार्ट, हमने फर्स्ट कलर लाइट लिया, फिर 2 डार्क 2 लाइट 2 डार्क एंड 1 लाइट इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनाया और एक्सप्लोर किया व्यू के ऊपर, तो देखिए ये स्पॉट बनता है। ये स्पॉट्स ही बर्ड्स आई इफेक्ट कहलाते हैं। इसको दूसरे व्यू के ऊपर हमने कॉम्बिनेशन दिया है, अभी पैटर्न चेंज कर दिया, कलर कॉम्बिनेशन वही रखा है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न चेंज हो जाएगा, बड़ी साइज का भी थोड़ा बड़ा पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है। स्टेप्ड ट्विल पैटर्न। स्टेप ट्विल पैटर्न 2 अप 2 डाउन 12 बुनाई के साथ रंग का जो क्रम है वो 2:2 मोटे प्रभाव के लिए या 1:2 का 12 बुनाई बारीक प्रभाव के लिए, या रंग का 2:1 का क्रम में मोटे असर के लिए 3 अप 3 डाउन 12 बुनाई के साथ एक उपयोगी प्रभाव देता है, जिसे स्टेप ट्विल के रूप में जाना जाता है। इसका विकास निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर 3 अप 3 डाउन का 12 व्यू हमने बनाया है, राइट हैंडेड 12 बना दिया, जिसमें 2 डार्क 1 लाइट जो कॉम्बिनेशन लिया है 2:1 का लिया है हमने कलर कॉम्बिनेशन, और इसको जब एक्सप्लोर किया तो देखिए ये फिगर 1 में स्टेप्ड 12 बन गया। इसी क्रम को अगर हम 1:1 करते हैं कलर कॉम्बिनेशन को 1 डार्क 1 लाइट वार्प और वेफ्ट वे, तो ये फाइन स्टेप्ड 12 पैटर्न बनता है। शीरशकर। शीरशकर एक प्रकार का हल्का कपड़ा है जो कपास के धागों से बना होता है। शीरशकर फैब्रिक की उत्पत्ति भारत में हुई है। यह नाम हिंदी में शीर और शक्कर वाक्यांश से आया है, जिसका अर्थ है दूध और चीनी, जो कपड़े में दो बनावट को संदर्भित करता है। चिकनी धारियां दूध की तरह होती हैं और ऊबड़ खाबड़ धारियां चीनी के दानों से मिलती जुलती होती हैं। इसका उत्पादन एक सुस्त तनाव यानी लूजली टेंशन बुनाई प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, और आमतौर पर गर्म मौसम के लिए उपयुक्त सूट और शर्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेषताएं। शीरशकर कपड़े की हल्के और टिकाऊ होते हैं। इसे ऐसे बुना जाता है कि कुछ धागे आपस में चिपक जाते हैं, जिससे कपड़े को अलग अलग धारियों के साथ बुना हुआ रूप दिया जाता है।
सीड़सकर कपड़े को आमतौर पर कपास यानी कॉटन या ब्लेंडेड कॉटन के ब्लेंड से बनाया जाता है। असमान बनावट कपड़े को त्वचा से दूर रखने का कारण बनती है, जिससे वायु परिसंचरण की अनुमति मिलती है। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में इसकी झुर्रीदार बनावट के कारण सीड़सकर फैब्रिक मशीन से धोने योग्य होते हैं और इसे इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश कपड़े बनाने के लिए एक समान यार्न के एक सेट का उपयोग किया जाता है, एक समान तनाव में आयोजित किया जाता है। सीड़सकर फैब्रिक की सिकड़ी हुई धारियों को बनाने के लिए दो वार्प्स को शामिल करने के लिए एक सुस्त तनाव यानी लूज टेंशन बुनाई प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। एक ताना नियमित रूप से तनाव के तहत आयोजित किया जाता है, जो एक सादी पट्टी का यानी प्लेन स्ट्राइप का उत्पादन करता है। एक दूसरा ताना एक उच्च तनाव पर आयोजित किया जाता है, जिससे एक क्रिंकल धारी का निर्माण होता है। एक ताना सुस्त और दूसरा तंग यानी लूज और टाइट बुनाई से परिणामतः एक झुर्रीदार प्रभाव का निर्माण होता है। एक संकीर्ण स्ट्राइप या नैरो स्ट्राइप बनाने के लिए यार्न को 10 या 16 के समूहों में ताना बीम पर लपेटा जाता है। कभी कभी धारी के लिए अधिक ध्यान देने योग्य क्रिंकल बनाने के लिए एक बड़े यार्न समूह का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ ये पिक्स सीड़सकर पैटर्न की दिखाई गई है अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ। कुछ अन्य उदाहरण ऑर्नामेंटेशन के ओवनिंग स्ट्राइप्स, ओवनिंग यानी शामियाना। शामियाना धारियां सबसे चौड़े आकार की धारियां होती हैं। ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल धारियां होती हैं। यहां तक कि धारियां अक्सर 1/4 इंच से ज़्यादा चौड़ी और आमतौर पर सफ़ेद व एक अन्य रंग की ठोस धारियों से युक्त होती है। यह नाम शामियाना कपड़ों पर पाए जाने वाले चौड़े धारी पैटर्न से निकला है। देखिए पिक में आपको ओवनिंग पैटर्न या शामियाना धारियां दिखाई दी। बंगाल स्ट्राइप्स, बंगाल धारियां वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं, जो कि शामियाना धारियों की तुलना में पतली होती हैं, नैरो होती हैं, लेकिन कैंडी की धारियों चौड़ाई 1/4 इंच से अधिक चौड़ी होती हैं। जाहिर तौर पर एक ही चौड़ाई और बारी बारी से हल्के और गहरे रंगों व सफ़ेद रंग की ठोस धारियाँ होती हैं, यानी अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है लाइट और डार्क और वाइट कलर की थ्रेड्स का, जो कि पिक में आपको दिखाया गया है। कैंडी स्ट्राइप्स, अस्पताल के स्वयंसेवकों की वर्दी के लिए एक सफेद और एक अन्य रंग की समान आकार वाली बारी बारी से व्यवस्थित धारियों को कैंडी स्ट्राइप्स कहा जाता है। ये एक कैंडी स्टिक से मिलती जुलती छोटी छोटी सीधी धारियां होती हैं। कैंडी स्ट्राइप्स आमतौर पर चौड़ाई में लगभग 1/8 इंच की होती है, जो कि पिक में आपको दिखाई गई है विभिन्न रंगों के साथ। पिन स्ट्राइप्स, पिन स्ट्राइप्स पतली वर्टिकल धारियां होती हैं। पिन स्ट्राइप्स में आमतौर पर एक या दो यार्न मोटे होते हैं। धारियों के बीच की चौड़ाई भिन्न होती है, लेकिन हेयरलाइन धारियों की तुलना में हमेशा चौड़ी होती है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। बारकोड स्ट्राइप्स, बारकोड स्ट्राइप पैटर्न में अलग अलग आकार की धारियां होती हैं, जिन्हें एक साथ रखा जाता है। यह पैटर्न एक बारकोड की लाइनों जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम बारकोड स्ट्राइप है। बारकोड धारियों में आमतौर पर दो रंग या एक रंग के विभिन्न टोन्स होते हैं, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। रेजिमेंटल स्ट्राइप्स, ये धारियां वे हैं जो एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करती हैं, लेकिन संतुलित तरीके से नहीं। रेजिमेंटल धारियां टेक्सटाइल पैटर्न से बनी होती हैं, जो तिरछे रंगीन विकर्ण होते हैं, जो बाएं से दाएं दिशा में चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से वर्दी झंडे के साथ ही टाई और रिबन आदि के लिए रंग योजना के पैटर्निंग का उपयोग किया जाता है। देखिए पिक्स में दिखाया गया है अलग अलग रेजिमेंट्स के लिए अलग अलग रिक्वायर्ड जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन कलर का बनाया गया है। मिनी चेक्स, पिन आकार की धारियों को काटकर बनाया गया एक चेक पैटर्न, जो ठोस पृष्ठभूमि पर एक ही रंग के समान आकार के चेक की तरह दिखता है। स्ट्राइप्स का आकार आमतौर पर 1/3 सूत मोटा होता है, यानी 1:3 थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन इसमें स्ट्राइप्स के लिए लिया जाता है। टार्टन चेक्स, टार्टन एक चेक पैटर्न है जिसपे धारियों का एक सेट बना होता है, जो 90 डिग्री के कोण पर मिलता है, जिसमें
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स की हूबहू डुप्लीकेट होती हैं। यह आमतौर पर बेस रंग के अलावा तीन या अधिक रंगों से बना होता है। इसके अलावा ये स्कॉटिश चेक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे पैटर्न मूल रूप से स्कॉटिश स्ट्राइप्स से में उपयोग किए जाते थे, जो कि फिगर में दिखाया गया है। प्लेट, प्लेट शब्द का अर्थ है कंबल। इस पैटर्न वाले कपड़े जो आमतौर पर ऊनी कंबल में इस्तेमाल किए जाते थे, वे विभिन्न सामग्रियों में समय के साथ विकसित हुए। प्लेट एक टार्टन पैटर्न के समान ही है, जिसमें आमतौर पर एक ग्रिड बनाने वाले कई रंगों में क्रिस क्रॉस की गई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो कि फिगर में दिखाई गई अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ दी गई हैं। गिंगम, गिंगम पैटर्न एक नियमित रूप से चमकीले रंग का चेक या प्लेट पैटर्न है, जिसे सफेद धागे के साथ एक ही चौड़ाई में रंगों की ओवरलैपिंग धारियों द्वारा बनाया गया है, जो एक शानदार पैटर्न और वर्गों के छोटे छोटे बक्सों का निर्माण करता है। मूल रूप से गिंगम को यार्न डाइंग और विभिन्न रंगों के साथ बुनाई द्वारा बनाया गया था। ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाया गया है फिगर्स में। मद्रास चेक, ये एक प्रकार के प्लेट डिजाइन होते हैं जो लाल व नीले रंग के होते हैं, और यह एक दूसरे से सटे हुए कई चमकीले रंग की पट्टियों के साथ होता है, और यह प्रक्रिया यार्न डाइंग की होती है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धारियां सिमेट्रिक या समान नहीं होती हैं, जिसके कारण यह पूरी तरह से चेक पैटर्न का एक अलग सेट बना देता है। देखिए यहाँ पर फिगर में अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ में मद्रास चेक दिखाया गया है। ग्राफ चेक्स, एक ग्राफ पैट पर ग्राफ पेपर पैटर्न के समान ग्राफ चेक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पर पिन स्ट्राइप्स बनाए जाते हैं। आमतौर पर हल्के रंग की धारियां जो अपने आधार रंग के साथ विलय करती हैं, जिससे यह ग्राफ पेपर की तरह दिखाई देता है। देखिए फिगर में शेफर्ड चेक, आमतौर पर काले और सफेद रंग की धारियों द्वारा गठित छोटे चेकों का एक पैटर्न, सामान्यतः एक दृश्य ट्विल बुनाई होती है। 15वीं शताब्दी में चरवाहे अक्सर काले और सफेद भेड़ों के बिना रंगे ऊन के लंबे टुकड़ों को बुनकर पहनते थे, इसलिए इसका नाम शेफर्ड चेक हुआ। देखिए ये तीनों अलग अलग फिगर्स आपको दिखाए गए हैं। विंडो पैन चेक, एक व्यापक रूप से फैला हुआ चेक पैटर्न विंडो के फलक जैसा दिखता है। ये चौड़ी दूरी पर लगाए गए दो वर्टिकल पिन स्ट्राइप्स द्वारा बनता है। विंडो फलक यानी खिड़की की जो पल्ले होते हैं उसकी समान दिखाई देता है। चेक के लिए जो धारियां एक दूसरे को काटती हैं, वे अक्सर ग्राफ चेक में पाए जाने वाले पैटर्न की तुलना में अधिक मोटी और दूर होती हैं, क्योंकि देखिए दो पैटर्न यहाँ आपको विंडो पेन चेक के दिखाए गए। बफेलो चेक, बफेलो चेक अक्सर दो या तीन रंग के धारीदार कपड़े होते हैं, जिनका पैटर्न सभी दिशाओं में समान आकार के बड़े वर्ग बनाता है, जो अलग अलग रंग के यार्न के क्रॉस द्वारा गठित बड़े ब्लॉक जो आमतौर पर सफेद, लाल या काले रंग के हो सकते हैं। फिगर में देखिए दिखाया गया है। टैटरसेल चेक्स, पैटर्न नियमित रूप से पतली वर्टिकल वार्प स्ट्राइप्स से बना होता है, जिसे वेफ्ट में हॉरिजॉन्टल रूप में दोहराया जाता है, जिससे वर्ग बनते हैं। टैटरसेल एक चेक पैटर्न है, जिसमें पतली नियमित रूप से उभरी हुई वैकल्पिक रंगीन धारियां होती हैं, अल्टरनेट कलर्ड स्ट्राइप्स होती हैं, जो क्षैतिज और लंबवत यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से दोहराई जाती है। टैटरसेल पैटर्न बनाने वाली धारियां स्ट्राइप्स अक्सर दो अलग अलग रंगों में होती हैं और आमतौर पर पृष्ठभूमि के रंग की तुलना में अधिक गहरी होती हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जिसमें अल्टरनेट कलर लिए गए हैं रेड और ब्लू विद वाइट बेस। ग्लैन चेक ऊनी कपड़े से बना होता है, जिसमें छोटे और बड़े चेकों के बुने हुए ट्विल डिजाइन होते हैं। इसे प्रिंस ऑफ वेल्स चेक के रूप में भी जाना जाता है, जो स्कॉटिश स्टेट की वर्दी से उत्पन्न हुआ है। हाउंडस्टूथ ट्विल और चेकर्स पैटर्न के विभिन्न संयोजनों से बुनाई से एक अनूठा पैटर्न बना देती है, जो कि फिगर में दिख रहा है आपको।
आज के इस लेक्चर में आपने ऑर्नामेंटेशन को जाना, जिसमें कि स्ट्राइप्स और चेक्स, विभिन्न प्रकार के स्ट्राइप्स और चेक के बारे में आपको बताया गया है, और आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।